अभी आपको मैंने कल कहा था, स्वामी नारायण का एक गुरु था, तो उसने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा था बनारस में पढ़ता था, तब मुझे ज्ञान सुना, अरे ब्रह्मा कुमारी का दिमाग ठीक नहीं, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, शिव भगवान है। तो मेरे मन में बहुत विचार था, मैं कैसे समझाऊं इनको, कैसे ठीक करूं। तो अभी 5-10 साल हो गया होगा तो मिला, तो उसने कहा आप लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। हमने कहा हाँ स्वामी जी, हम तो छोटे बच्चे हैं, आप तो बड़े हो, पीएचडी किया आपने, आप स्वामीनारायण के गुरु हो, हमको सिखाओ, हम छोटे बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं, आप सिखाओ मुझे, ये गलत रास्ता है। हम कहते हैं गुलजार दादी के तन्मेश्वर बाबा आका है, ये हमारे भ्रम हो सकता है, गलत हो सकता है, आप दिखाओ मुझे ये गलत है, तो मैं आऊंगा। हमने कहा आओ, खास आया उनको ओम शांति भवन में सामने सामने बिठा दिया, और बाबा गुलजार दादी के तन्मयता देखता बैठ गया, कहने लगा अरे मेरे जीवन में आया, आज पता चला कि ये क्या चीज है, सुनता था मैं, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, You must see and you must listen at the same time. एक ही आंखों से, एक ही कान से, एक दफा सुनना भी है और देखना भी है। मैंने सुना और किसी का आवाज हो सकता है, मैंने देखा भ्रम हो सकता है, सुनना और देखना एक साथ हो जाए तब सत्य है। मैंने सुना और मैंने देखा सत्य है, तब उसने इतना दिन सुना था, देखा नहीं था, अब आके बैठे कैसे भगवान आता है, देखा तब कहा कि अब मुझे समझ में आया, तब 2-3 दफा आया उनके स्वामी नारायण को, देखो स्त्रियों को देखते नहीं हो तो भी हमको कॉन्फ्रेंस में बुला, उनके सिल्वर जूबली थी, तो मनुष्य रियलाइज करता है टाइम लगता है ना, समय आता है। हरेक को बाबा ने कहा, बाबा हरेक बच्चों की बुद्धि का ताला खुलेगा, खुलाएगा, समय लगता है, एक दिन में नहीं टाइम लगता है, कि मनुष्य को पता नहीं मैं क्या कर रहा, किसका पढ़ रहा, किसने लिखा है, क्या लिखा है, तो अच्छी तरह से पढ़ने से समझ में आता है। आधे आगे पीछे आधा घड़ा ना आवाज करता है, फुल घड़ा भरा हुआ आवाज करेगा, तो ज्ञान आगे से पीछे